और दोस्तों ये कहानी है 150 साल पुरानी। जब फ्री फायर वर्ल्ड नया नया बना था तब गरीना दीदी के अलावा इस वर्ल्ड में कोई नहीं था। फिर गरीना दीदी ने इस वर्ल्ड को चलाने के लिए अपने पहले कैरेक्टर आदम को भेजा। अरे धत तेरी की लग गई यार, मैं कौन हूँ और ये कौन सी जगह है? और आदम के दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी, वो कंफ्यूज हो गया था कि ये क्या हो रहा है। तभी एकदम से आसमान हरा हो जाता है, पानी का रंग काला हो जाता है और बारिश गिरने लगती है। टिप टिप बरसा पानी, ओए ऐसा फ्री फायर वर्ल्ड में पहली बार हो रहा था। पर दोस्तों ये इस बात का संकेत है कि अब गरीना दीदी किसी से वार्तालाप करने वाली है। अरे ये क्या हो रहा है? बेटा मैं गरीना दीदी हूँ, तुम्हारे सारे प्रश्नों के जवाब देने आई हूँ। हाँ तो बताइए मैं कौन हूँ और ये सब क्या हो रहा है? बेटा तुम आदम हो और मैं गरीना दीदी हूँ, इस फ्री फायर वर्ल्ड की रचयिता। तुम इस दुनिया के पहले कैरेक्टर हो जिसे मैंने बनाया है। अच्छा ठीक है मैं समझ गया। तो बताओ बेटा तुम्हें क्या एबिलिटी चाहिए? मुझे कोई एबिलिटी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए रिस्पेक्ट। तथास्तु, मॉडर्न फ्री फायर वर्ल्ड में तुम सबसे चहेते कैरेक्टर रहोगे और बड़े बड़े यूट्यूबर सिर्फ एक ही नारा लगाएंगे, रिस्पेक्ट आदम गाइस। ठीक है तो अब मुझे मेरा मकसद बताइए। वो मैं नहीं बता सकती, तुम्हें खुद ही पता लगाना पड़ेगा। ठीक है तो वो मैं पता लगा लूंगा। और फिर उसके बाद गरीना दीदी ने अपने पहले इलाइट पास सकुरा को जन्म दिया। गरीना दीदी ने सकुरा को मोस्ट रेयर बंडल का वरदान दिया था, पर उसके गुरूर की वजह से वो वरदान ज्यादा टाइम नहीं टिक पाया। ओए सकुरा के बाद गरीना दीदी ने अपने सेकंड इलाइट पास एपॉप को जन्म दिया। और फिर बारी आती है इंक्यूबेटर्स की, जिसमें गरीना दीदी ने 5 अलग अलग बंडल्स को जन्म दिया, पर वो एक दूसरे को एनिमी समझ बैठे और लड़ाई करना शुरू कर दिया। अरे ये डंग बेडंगी टट्टिया किसने कर दी, सालो निकलो यहाँ से। साले तू होगा टट्टी और तू हमारी कॉपी करके क्यों आया है, रंग बदल के कॉपी करता है इले। अरे बस करो तुम लोग, लड़ाई करना बंद करो, तुम सब भाई हो। अरे आप कौन है? मैं गरीना दीदी हूँ जिसने तुम सबको बनाया है। अरे सुना तुम लोगों ने, हम लोग भाई लोग है यार, क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं? अरे तुम समझदार लगते हो, आज से तुम इन सब के बड़े भाई। ओके गरीना दीदी, वैसे हम सबका नाम क्या है वो तो बताइए। तुम लोगों ने आते ही लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, इसीलिए आज से तुम्हारा नाम क्रिमिनल्स। अरे वाह ओपी नाम है, क्रिमिनल्स ओपी इन द सेट। और कुछ साल बाद मॉडर्न फ्री फायर वर्ल्ड में, ओए काफी सालों का सफर करने के बाद आदम शहर पहुंचता है। ओए अरे ये क्या है, लगता है इसे ही शहर बोलते होंगे, बड़ी ही खूबसूरत जगह है, ऐसी जगह तो मैंने पहली बार देखी। चलो अच्छा है, नए लोगों से मिलने का मौका मिल जाएगा। अरे भैया वो देखो बैड बॉयज आ रहे हैं। ये देखो नुबड़ो, 80 लाख का बाइक है, 80 लाख का, तुम्हारा घर जाएंगे इसमें। अरे देखना इस साले को अभी कोई उड़ा देगा। अरे रॉन्ग साइड में क्यों आ रहा है नुबड़े? देखा मेरी काली जुबान। वाह ये शहर तो बहुत ही अच्छा है, लगता है यहाँ के लोग भी अच्छे होंगे। अरे ये कौन सड़के आ रहा है कस्से वाला, इसको तो पहली बार देखा। ओए रिंगुड़ इधर आ। मुझे बुला रहे हो? हाँ बोलो क्या काम है? कौन है तू, लगता है शहर में नया है। हाँ मैं पहली बार शहर में आया हूँ और मैं आदम हूँ, फ्री फायर वर्ल्ड का पहला कैरेक्टर। अच्छा तब तो तुम हमारे पापा हुए। ये देखो पापा मिल गए। अरे ब्लू क्रिमिनल किधर है? अरे पापा कैसे हो? और ब्लू क्रिमिनल नाक में उंगली करना बंद कर, ये देख पापा आ गए। अरे क्या बात कर रहा है, पापा आ गए? ओए नाक मैं बाद में आता हूँ उंगली करने, पहले पापा से मिल लेता हूँ। अरे नहीं पापा नहीं हूँ मैं तुम लोगों का, पर हाँ तुम मुझे चाचा जरूर बुला सकते हो। अच्छा ठीक है तो चलो आज से आप हमारे आदम चाचा। और बच्चा फाल्टी क्या हाल चाल, क्या चल रहा है? अरे भैया जी आ गए, ये देखो भैया जी आ गए। भैया जी। अरे नमस्कार भैया जी, कैसे हो? अरे क्रिमिनल ये क्या हो रहा है, ये लोग इसके पीछे पीछे क्यों भाग रहे हैं? अरे क्योंकि इसके पास बहुत पैसा है और इस दुनिया का उसूल है, जिसके पास पैसा होता है लोग उसके पीछे पीछे ही भागते हैं। अच्छा मुझे समझ में आ रहा है। आदम सासा ना यार बड़ा ना प्यार बड़ा, भैया सबसे बड़ा रुपया, इसलिए देखो मैंने मेरे दोनों भाइयों को पैसा इकट्ठे करने के लिए लगाया है। अच्छा ये बात है, ठीक है चलो अब मैं चलता हूँ। अरे रुको रुको सासा, कहाँ जा रहे हो? पैसा कमाने, मुझे बहुत पैसे वाला बनना है। ठीक है सासा ऑल द बेस्ट।
पैसा कमाने के लिए मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, पर क्या काम करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे सामने तो एक गैरेज है, एक काम करता हूँ वहाँ काम मांगता हूँ। सेठ जी मुझे आपके यहाँ कोई काम मिलेगा? अरे क्या काम आता से भाई तन्ने? मुझे सारे काम आते हैं, मैं आपके यहाँ मैकेनिक का काम भी अच्छे से कर सकता हूँ। अच्छा तो तू एक काम कर, पोछा ले और मारी कार साफ कर। बड़ा या नुबड़ा हमारी नौकरी छीनने वाला। ठीक है साहब, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, मैं पोछा मार देता हूँ।